सो इट्स जयपुर लाइक, और ये जो मेरे बैक साइड में जो ट्रेन खड़ी है ये जयपुर जयपुर से दिल्ली सराय रहीउल्ला के लिए जाती है, डबल डेकर ट्रेन है और ये सुबह 6 बजे चलती है और ये अभी लाइक रात के 11 बजे से खड़ी रहेगी सुबह 6 बजे तक, 6 बजे तक, और 6 बजे यहाँ से चलेगी और ये 10:30 बजे दिल्ली सराय रहीउल्ला पहुँचा देगी। आई थिंक अमेजिंग ट्रेन है यार, काफ़ी अच्छी ट्रेन है ये, क्योंकि एक तो डबल डेकर है उसका अलग ही मज़ा आता है और सुपर फास्ट है। मैंने बोला था ना कि लाइक मेट्रो सिटी से मेट्रो सिटी कनेक्ट करने के लिए ट्रेन बनाई जाती है, इसीलिए जयपुर इज़ ए मेट्रो सिटी, दिल्ली इज़ ऑल्सो ए मेट्रो सिटी, तो उसी अकॉर्डिंग वही मैंने कहा था कि लाइक हम भीलवाड़ा और उदयपुर वालों के लिए कहाँ ही है। और वैसे कानपुर से भी चलती है, मैं आपको बताऊँ कानपुर से चलती है, लखनऊ से शायद चलती होगी या कानपुर से चलती है दिल्ली के लिए, तो अमेजिंग है। तो ऐसा करते हैं अब हम अपनी ट्रेन में चलते हैं, यहाँ से ये वीडियो स्टार्ट होने वाली दूसरी। सो ये जर्नी होने वाली है जयपुर टू कानपुर। हाँ ये जयपुर टू कानपुर हम इसको करने वाले हैं, इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखने वाले और सीधा जयपुर टू कानपुर। और भीड़ देखता हूँ, देखो एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ बाय बाय मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये सारे लोग यहाँ पर करने क्या है, क्योंकि स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो 50 रुपये पर पर्सन है और यहाँ पे बिना पैसों के सब चल रहा है। इवन भीलवाड़ा में 50 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट है और यहाँ पर ये बिना टिकट के घूम रहे हैं क्या, इनको पकड़ो भाई, इतनी भीड़ कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ट्रेन फिर से रोक दी गई है शायद, सुनो तो होगी यार, चढ़ना चाहिए था। जयपुर मेट्रो, यहाँ की वीडियो मैंने नहीं शो किया आपको, यहाँ की भी करूँगा, यहाँ की मेरे पास है वीडियो। जयपुर मेट्रो, यहाँ से अगर आपको हवा महल देखना है तो आपको मेट्रो नहीं लेने की ज़रूरत है, हमने फिर भी ली थी क्योंकि 5 किलोमीटर बाद आपको उतरना पड़ेगा मेट्रो से, वहाँ से रूट चेंज हो जाता है, फिर आपको बस से जाना पड़ेगा या पैदल जाना पड़ेगा, इसलिए मेट्रो मत लो। स्टेशन से बाहर निकलो, डायरेक्ट आपको 11 नंबर की बस मिलेगी जो 10 रुपये लेगी आपसे और डायरेक्ट हवा महल पहुँचा देगी, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं लगता। और बाकी फिर ऑटो ऑटो करोगे तो वो तो आप ना एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो आप ऐसे ट्रैवल कर लेना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेट्रो जयपुर मिडनाइट शूट करने का मजा ही अलग है यार, ARG। ये ऊपर आप मेट्रो लाइन पड़ी हुई है जो जयपुर की है और बहुत जल्द आपको मैं कानपुर की मेट्रो लाइन दिखाने वाला हूँ। आई होप मेरी गाड़ी कानपुर सेंट्रल जाके ही रुके, उससे पहले कहीं ना रुके, क्योंकि कानपुर सेंट्रल अगर रुक गई फिर हम मेट्रो में ट्रैवल करते हुए वापस आएंगे। सो उससे जयपुर, सी ये है जयपुर, ठंड के टाइम पे ठंडी ठंडी हवा, मज़ा आ रहा है कुछ भी कहो। आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है? सन एंड मून, फाइनली ऐसा करते हैं अब हम चलते हैं अंदर क्योंकि अंधेरा हो चुका है बाहर जयपुर से ऑलमोस्ट। अब इसका जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो गांधीनगर होगा बस अकॉर्डिंग, और ये जर्नी मैंने बता दी लाइक अब जयपुर से कानपुर तक होने वाली है कानपुर सेंट्रल। सो सी अमेजिंग ट्रेन का कर्व, सो ये है गांधीनगर स्टेशन जो पूरा खाली है, जयपुर का दूसरा स्टेशन
गांधीनगर स्टेशन पूरा का पूरा खाली स्टेशन है। सी सो अभी हम हैं गांधीनगर स्टेशन जो जयपुर के बाद में आता है, 5-10 किलोमीटर की रेंज में आता है जयपुर का दूसरा स्टेशन। ये छोटा स्टेशन है और जयपुर जंक्शन बड़ा स्टेशन है। लाइक जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना, जितने भी लोग जयपुर उतरते हैं तो मैक्सिमम लोग लाइक गांधीनगर पहले उतर जाते हैं और उसके बाद में जयपुर जंक्शन जाते हैं। तो ये भी ठीक रहता है, बहुत अच्छा रहता है कि लाइक बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से भी उठती हैं क्योंकि गांधीनगर स्टेशन है और जयपुर जंक्शन से उठती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2-3 मिनट का स्टॉप होता है। लाइक मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ, फिर हमारी गाड़ी चलने वाली है। सो दिखाते हैं गांधीनगर स्टेशन। यहाँ सबसे अच्छी बात है लाइटिंग। लाइटिंग बहुत लगा के रखी है इन्होंने, निकास और एग्जिस्ट जो अमेजिंग है। How people are traveling in train. It's really amazing. Trip travel हो रहा है मेरा ट्रेन का विद इन ए सेकेंड। ऐसा करते हैं हम अंदर चलते हैं क्योंकि बहुत हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब हम स्टेशन तो बहुत आने वाले हैं बट मैं बार बार बाहर नहीं निकलूँगा क्योंकि मेरा जो स्टेशन आएगा वो अछनेरा जंक्शन आएगा जहाँ पे हमें कुल्लड़ वाली चाय पीनी है। अभी तक मैंने चाय ही नहीं पी क्योंकि स्टार्टिंग में आ रहे थे चाय लेके, अब आ ही नहीं रहे। तो और यहाँ पर गाड़ी ऐसी जगह पर मेरा कोच है जहाँ पर कोई दुकान ही नहीं होती है। तो उसको करो बजने वाले हैं और हम ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रेन ट्रैवल देख रहो ऊपर की है। लाइक इसमें कंबल है बट मैं नहीं ओढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही है, ठीक है। और ये हमारी ट्रेन, ये नमकीन का पैकेट है और ये बोतल है, वो जैकेट है और उसके पीछे बैग रखी हुई है। ये हमारा ट्रैवल हो रहा है। So it's amazing. Look like amazing. ये रहे shoes देख रहे हो आप, ये है shoes यहाँ पे रखे हैं। नीचे रखो, इधर उधर हो जाएगी फिर ढूंढने की प्रॉब्लम, इससे अच्छा ऊपर रख लो अपने पास हो जाता। और ये ऊपर लग रहा है इसलिए यहाँ पर सिर्फ लेट के जा सकते हैं क्योंकि अगर बैठोगे तो ये लगेगा। और इस साइड में तो पूरा ही कर्व हो रखा है लेकिन इस साइड में मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। तो इधर ठीक है, इधर आप बैठ भी सकते हो और मेरे चेहरे पे लाइट आ रही है। अमेजिंग ट्रेन ट्रैवल, कभी किया है ऐसा ट्रेन ट्रैवल? मज़ा तो इसी में आता है भाई, कहीं पर भी जाओ मज़ा सबसे ज़्यादा इसी में आता है। इसी तरह से ट्रैवल करो, सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आएगा। और मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चिल्ला रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने चिल्लाया तो लोग उठ जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चिल्ला रहा हूँ। और आई होप मेरी वॉइस आप तक पहुँच जाए क्योंकि बैकग्राउंड में ट्रेन का नॉइज़ आ रहा है, उसको मैं रिमूव भी नहीं करूँगा चाहता हूँ इस अकॉर्डिंग। तो और अभी बजने वाले हैं 12, ऑलमोस्ट बजने वाले हैं 12 बजे के बाद डे दूसरा लग जाएगा। 28 दिसंबर 2021। सो अभी सोते हैं।